सब एडिटर था मैं, मेरा काम पेज तीन पे था, पेज तीन का काम था, लेकिन रिपोर्टिंग करने की भी बड़ी इच्छा होती थी। तो मैंने पूरे 5 साल बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो किस्मत साथ देती है, कुछ लोग होते हैं गोल्डन स्पून पैदा होते हैं, हम लोग ऐसे नहीं रहे। हमें तो पल पल परीक्षा देनी पड़ी, हर पल अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, इस दौर में भी गुजरना पड़ रहा है, जबकि रिटायरमेंट की उम्र आ गई तब भी अग्नि परीक्षाएँ देनी पड़ रही हैं। तो यहाँ रहोगे तो क्या हमारी जड़ें खोद डालोगे? तो मैंने कहा मौका मिला तो खोद डालूंगा। एसपी ने कहा ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, जाना मत, रुक के जाना, देख के जाना, लिस्ट में लिस्ट देख के जाना। तो समझ गया कि मेरा हो चुका है। तो एक डायलॉग आपकी जिंदगी बदल दे। जिंदगी में जिसने जितने रगड़े खाए और अपने घर से जो जितना दूर रहा उसी के चांसेस ज्यादा बनते हैं, जो कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्तित्व को डेवलप होने के लिए वो झेलनी पड़ेंगी उम्र भर। पापा कहते कि देख बेटा ऐसा है तो प्रोग्राम नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेहरू जी जब चले गए तो ऐसा थोड़ी है कि आज अपना इंडिया चल नहीं रहा है, चल रहा है ना, किसी की वजह से किसी की चीज़ दुनिया में कभी नहीं रुकती। वो आज वो पापा की कई भी बात मुझे आज तक याद है। जब आप कॉलेज से पढ़कर निकल के आते हैं तो आम तौर पर ये रहता है दिमाग में कि ये जो चल रहा है ना, ये सब ये बदलना है, ये सब जो गड़बड़ है, ये जो करप्शन है और ये सब ये इससे ऐसा लगता है कि मैं बदल दूंगा पहुंचते ही। कैसे भी विषम परिस्थितियां हो, आपको उनको पार करके लाइफ में अगर आगे बढ़ने का मोटो सेट है, माइंड सेट, तो आप जिंदगी में जरूर उस चीज़ को हासिल करोगे। आप कभी आपसे कोई चीज़ दूर नहीं है, लेकिन सीखने के लिए हमारे पास क्या है या किसी से अपन क्या सीख सकते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत नाम शोहरत पैसा सब कमा लेते हैं और ऐसे बहुत लोग हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत बहुत अधूरेपन में रहता है। ये मैंने रियलाइज़ किया, मतलब इस एज पर भी रियलाइज़ किया है, उनके आसपास 2-4 लोग बैठने वाले भी नहीं होते हैं। मेरा पूरा नाम डॉक्टर राजवेंद्र सिंह चौधरी है, मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और बेसिकली ब्रेन और स्पाइन की 2 तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी जयपुर में करता हूँ, और शायद उम्र मेरी जरूर कम है लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज मैंने की हैं पिछले 7 सालों में, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है पूरे स्टेट में। शेयर करने वाली बात है ये कहूँगा कि मैं एक्चुअली डॉक्टर तो बनना भी नहीं चाहता था, जिंदगी के मुकाम ने शायद यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं बनना चाहता था IAS।